वो जो पूरा थ्रिल है ना, वो एक बैकग्राउंड है और वो जो लुक जो लगाया है पहले का लुक जो है ना, जब ये मुंबई नहीं बॉम्बे था, क्या बात है, तो वो बहुत अच्छा है। एनिमल अलग थी, सालार अलग थी, सब में मारा मारी फाइटिंग, ये एक शांति से बैठ के देखने वाली पिक्चर है। बटवा वो है भाई, बटवा वो अभी मैं बोल नहीं सकता, आप लोगों को देखने दो, बटवा का है कमाल। एक्चुअली लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि वो पिक्चर की जान है, मतलब वही पिक्चर का मेन है। अच्छी है, बहुत मस्त है, थ्रिलर है और मज़ा आता है काफ़ी तक, हुक लगती है, स्पेशली सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में काफ़ी मज़ा है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको फिल्म का? कॉन्सेप्ट अच्छा है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है जो लोग लाए हैं और मज़ा आ रहा है पिक्चर मूवी देख के। जैसे कि हमने देखा कि विजय सेतुपति जो साउथ की ना इतने बड़े विलेन है और कैटरीना के बॉलीवुड की जिनको माना जाता है, दोनों को कॉम्बो वगैरह कैसे लग रहा है? कॉम्बो ही अच्छा है एक्चुअली, बहुत ही मतलब है ऑपोजिट लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, लोगों को देखने पसंद आएगा? यस यस यस, आई थिंक बेस्ट पूछूं तो फिल्म में क्या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करने मिला? बेस्ट जो एक्सपीरियंस है वो कि वो जो पूरा थ्रिल है ना, वो एक बैकग्राउंड है और वो जो लुक जो लगाया है पहले का लुक जो है ना, जब ये मुंबई नहीं बॉम्बे था, क्या बात है, तो वो बहुत अच्छा है इसमें। तो वो पूरा अच्छा उन लोग ने ट्यूनिंग किया है और जो लास्ट में स्पेशली जो पुलिस स्टेशन में जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, बहुत अच्छा है वो। क्या बात, उस बैकग्राउंड स्कोर में पूरा आपको, अभी मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इट इज नाइस। 5 में से क्या स्टार रहेंगे? 3.5। और वैसे इस मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही थी, इस फिल्म के क्या चांसेस है स्टेबल रहने के? यस ऑफ कोर्स इट विल रहेंगे, क्योंकि वैसे ही हॉलीडे का मौसम है और मजा है, तो इस पिक्चर में मजा है। क्या बात है, ठीक ठाक, अच्छी फिल्म है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो है लेकिन सेकंड हाफ में रिकवर कर गया है, तो पब्लिक को अगर दिमाग लेके जाते हैं, मतलब सस्पेंस देखते हैं आप, दिमाग लगाते हैं तो फिल्म आपको पसंद आएगी। कहानी वगैरह कैसी? कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ कि कहानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव कॉम्प्लिकेशन में, थोड़ा सा समझ में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सेकंड हाफ में आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। विजय सेतुपति एंड कटरीना कैफ का कॉम्बो? हाँ ठीक ठाक है, शायद पहली फिल्म है दोनों की, तो बहुत अच्छा लगा, दोनों की अच्छी ठीक ठाक है। और बात कि बोला जाए विजय सेतु जो विजय सेतुपति हैं वो बोलते हैं जो बोल, उनका फन बोलने का शायद कि फन है, तो थोड़ा बीच बीच में हंसी आता है। कितनी एंगेजिंग और कितनी बोरिंग फिल्म है? बोला तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लो है, सेकंड हाफ में थोड़ा एंगेज कर रहा है, लोगों को स्पेशल ऑडियंस को पसंद आएगी। ओके, क्लास ऑडियंस, क्लास ऑडियंस ये पसंद आएगी जो सस्पेंस देखना चाहते हैं, जिसको देखना पसंद है उसको। क्या स्टार देंगे 5 में से? 3 स्टार। थैंक यू। मेरा जो आई एम प्लेइंग रॉनी पसंद आया लोगों को, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, और बटवे का? बटवा हाँ, बटवा वो है भाई, बटवा वो अभी मैं बोल नहीं सकता, आप लोगों को देखने दो, बटवा का है कमाल। पहले बटवा होता था, आजकल कुछ और बोला, आजकल एयरपोर्ट बोलना पड़ता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मोबाइल बस अभी कल जब एक्चुअल लोग देखेंगे, अभी तो इंडस्ट्री के लोगों ने देखा है और अभी कल ऑडियंस देखेगी। I hope audience को भी पसंद आए, but I had great fun working with Sriram sir and the whole team of Katrina, Vijay Sethupathi, Vinay Pathak. Too much fun, and that's the reason my characters come out so well. Yes. Thank you. Public से क्या कहना चाहोगे सर? Merry Christmas. देखो मैंने आज भी लाल पहना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन Merry Christmas आ रही है, क्या कहने रहेगा? मकर संक्रांति के दिन Merry Christmas. नहीं, पिक्चर एक्चुअली मेरी क्रिसमस पे रिलीज हो जाती तो बहुत ही मज़ा आ जाता था, सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन वही थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम सब इसकी वजह से डेट आगे बढ़ानी पड़ी, और क्रिसमस में शायद और भी 2-3 फिल्में बड़ी रिलीज थी, इसलिए भी शायद नहीं। हाँ वो सब तो पिक्चर, लेकिन कभी भी आए, अगर अच्छी पिक्चर है तो हमेशा चलती है। तो ये फिल्म मेरे को थोड़ा हटके लगी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे एनिमल अलग थी, सालार अलग थी, सब में मारा मारी फाइटिंग, ये एक शांति से बैठ के देखने वाली पिक्चर, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो देवानंद और दिलीप कुमार की एक पिक्चरें आती थी ना, स्पेशली देवानंद की हम दोनों, वो सब पिक्चरें आती थी ना एकदम शांत वाली, आंखों आंखों में इशारे करके बातें समझ लो वैसे वाली। तो ये मुझे इवन यहाँ पे जो कास्टिंग और डायलॉग्स दिखा है ना, ये मतलब दिखाते ना नाम डायरेक्टर, वो भी आप देखो पुराने स्टाइल का किया है, अभी का नहीं है, अभी कैसे दिखाते और पुराने स्टाइल का किया है, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह फिल्म का कितना बेस्ट लगा? स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी लाइन अच्छी है, बस पिक्चर कभी कभी स्लो हो जा रही थी, मतलब काफ़ी कुछ सीन्स थोड़ा रिपीट लग रहे थे, तो लेकिन क्या वो शायद कहानी की डिमांड थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा फास्ट होती ना तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें वैसे शॉट्स थे यानी झटके वाले शॉट्स थे, लेकिन क्या बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, वही जल्दी जल्दी आते और लोगों को लगता रहे इसके बाद ये भी हो गया, तो पिक्चर ज़्यादा मज़ा आता। देखिए कटरीना कैफ, इन्होंने विजय सेतुपति का कॉम्बो वगैरह फिल्म में कैसा लगता?
जैसे विक्की कौशल है कैटरीना का टोटली अपोजिट लेकिन वही है कि दिल देख रहे हैं, जज्बात देख रहे हैं, तो विक्की कौशल का दिल और जज्बात जैसे अच्छा था, वैसे विजय सेतुपति मतलब लुक्स ऐसे बुरे भी नहीं लगते, अच्छे लगते, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट था। एक्टिंग के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे विक्की कौशल हो, या चाहे विजय सेतुपति। मुझे एक्चुअली लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं भी बता नहीं सकती क्योंकि वो पिक्चर की जान है, मतलब वही पिक्चर का मेन है, लेकिन वो बहुत टचिंग था ऐसा। और कैटरीना भी जैसे अचानक से एकदम खूंखार वाला रूप है, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब मजा आ रहा था। जैसे कि फिल्म में मकर संक्रांति के दिन आ रही है, बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, ये फिल्म के क्या चांसेस है स्टेबल रहने के इस क्लैश में? मुझे लगता है एवरेज तो जाएगी, क्योंकि पब्लिक को अभी जैसे जिनके जो डायरेक्टर हैं उनकी सब फिल्में हिट रही हैं और उन्होंने हमेशा अलग अटके फिल्में बनाई हैं, तो उस रेंज में जाके देखें तो। और दूसरी बात, विजय सेतुपति के बहुत बड़े सब लोग फैंस हैं, कैटरीना के तो हैं ही हैं, तो उस हिसाब से ओवर एंड ऑल सभी अच्छे हैं, तो पिक्चर देखने तो लोग आएंगे, और एक बार आ गए ना तो फिर वापस नहीं जाएंगे। मैं 3 दूंगी।